नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राइस्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चे, आज हम देखने वाले हैं किसी भी संख्या का आप क्यूब कैसे निकालेंगे। आज हम देखने वाले हैं एक से लेकर आप 99 तक किसी भी संख्या का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे क्यूब यानी कि घन की बात करेंगे। आप क्यूब कैसे निकालेंगे, घन कैसे निकालेंगे बच्चे, इसे हम चार पार्टों में पढ़ेंगे। क्यूब को हम कितने पार्टों में, चार टाइप में पढ़ेंगे और चार टाइप में आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको हम एक रामबाण भी बताएंगे जो आप किसी भी टाइप में लगा सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या रहने वाला है हमारा, पहला टाइप रहेगा जब कोई संख्या हमारी इकाई अंक में एक लिखा होगा, जब इकाई अंक में एक लिखा होगा या फिर क्या होगा दहाई अंक में एक लिखा होगा या इकाई अंक में। यहाँ पर दहाई अंक में एक लिखा है, यहाँ पर इकाई अंक में एक लिखा है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों संख्याएं सेम हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है दोनों संख्याएं सेम हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों संख्याएं अलग हो सकती है। तो हम चार प्रकार से पढ़ेंगे किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे। या तो दहाई का अंक एक लेंगे, या तो इकाई का अंक लेंगे, या तो दोनों संख्याएं सेम हो सकती है, तो दोनों संख्याएं अलग हो सकती है। आप कहेंगे इकाई का अंक मतलब क्या हुआ, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो सब में दहाई का अंक क्या रहा है, एक आ रहा है। यहाँ पर मतलब क्या हुआ 21, 31, 41, 51, 61। आप कहेंगे लास्ट में देखो क्या रहा है, एक आ रहा है। या फिर सेम हो सकता है 11, 22, 33, 44, 55 सेम हो सकता है, या फिर अलग हो सकता है कुछ भी 23, 39, 40, 56 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम चार टाइपों में पढ़ेंगे। दहाई का अंक एक हो सकता है, इकाई का अंक एक हो सकता है, दोनों संख्याएं सेम हो सकती है, दोनों संख्याएं अलग हो सकती है। इसे आप इजी तरीके से समझ पाएंगे, बस आप पूरा वीडियो देखें और आपको क्लियर हो जाएगा आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो हम चलिए टाइप एक की बात करेंगे। टाइप एक की बात करेंगे जैसे 11, इसके बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनकी बात कर लेते हैं। हम हर एक का दो दो तीन तीन एग्जांपल लेंगे और आप समझ पाएंगे, ठीक है। 11 का तो आप जानते हैं 13 से 31 होता है, हम 12 के निकाल के आपको दिखाते हैं। 12 का निकालना है तो सबसे पहले 12 का क्यूब निकालना है बच्चे, याद रखना। इस क्यूब की हम बात करें अपनी तरफ से, आपको क्या करना है, चार लाइनें इस प्रकार से ड्रॉ कर देनी है, चार लाइनें खींच देनी है और इन्हीं चारों में फिल करना है। कैसे फिल करना है, सबसे पहले एक लिखा है ना, आपने एक लिख देना है, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दो लिखा है, आपको दो लिख देना। यहाँ तक तो समझ गए, एक लिखा एक लिख दिया, दो लिखा दो लिख दिया। अब क्या करना है, इसी का एक बार स्क्वायर कर देना है, इसी का एक बार क्यूब कर देना है, ठीक है। इसका एक बार आपने स्क्वायर किया और इसी का आपने एक बार क्यूब कर दिया। इतना करने के बाद आपको ना तो पहली संख्या लेनी है ना अंतिम संख्या लेनी है, 20 की संख्या आपको लेनी है। और इसका डबल करने तो आप कहेंगे 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है, 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है। बस आपको जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 आएगा, 8 4 12 के 2 लिखेंगे कैरी, आपके पास 1 आ जाएगा, 2 1 कैरी का 3 3 4 7 और 1 1728 आपका क्या राइट आंसर है, 1728 आपका क्या है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बारह की बात और भी कोई संख्या देख लेते हैं, जैसे हम बात करें 16 की बात कर लेते हैं। 16 का क्यूब आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आप कहेंगे चार लाइन 1 2 3 4 खींचेंगे, आप एक लिखा है आपने एक लिखा है, 6 लिखा है तो आपने 6 लिखा, इसके एक बार स्क्वायर करना है 36, एक बार इसका क्यूब करना है। तो आप जानते हैं 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। पहली संख्या काट देते हैं, लास्ट की संख्या काट देनी है, इसका डबल करना है 6 2 12, 36 का डबल कितना होता है, 72 होता है। आप सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 का 6 लिखेंगे, कैरी आपके पास 21 बचेंगे, आप 21 यहाँ पर लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। आप कहेंगे 6 1 7 2 9 आएगा, 9 आएगा, 2 3 5 5 7 12, 12 यहाँ पर 1 29 का आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, आपके पास हासिल कितने हो जाएंगे 12, आप 12 यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 12 24 24, 6 कितने होते हैं, आप कहेंगे 30 होते हैं, आपके पास हासिल 3 आ जाएंगे, 3 1 4, तो आपका 40 96 क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 40 96 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। और भी संख्या एक दो देख लेते हैं, जिसे हम बात करें 17 की बात कर लेते हैं। 17 का क्यूब निकालना है, आपने कहा 1 2 3 4 खींच देंगे, एक लिखा आपने एक लिखा, 7 लिखा है 7 लिखा, एक बार इसका स्क्वायर करना है, एक बार इसका क्यूब करना है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है।
आपने कहा पहला कार्ड दो, लास्ट वाला कार्ड दो, इसका डबल करो, 7 × 14 49 का डबल क्या होता है, आप कहेंगे 98 होता है, जोड़ दीजिए। 3 × 3 आ जाएगा 34, हासिल आएगा 34, यहाँ पर आप लिखेंगे, जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9 × 4 = 13, 13 × 8 कितना होता है, 13 × 8 = 21, 21 का आप एक यहाँ पर लिखेंगे, पहले आपके पास 2, 2 × 3 = 5, 4 × 9 = 9, 18, 181 आएगा, 181 का आप यहाँ पर एक लिखेंगे, आपके पास कैरी कितने 18 हो जाएंगे, 18 आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप जोड़ेंगे यहाँ पर 18 × 7 कितने हो जाएंगे, 18 × 7 = 25, 25 × 4 = 29, 29 × 10 = 39, 39 की आप 9 लिखेंगे, आपके पास हासिल कितने 3 हो जाएंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे 3 × 4 = 49, 13 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 49 = 13 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा 18 के निकालिए, 18 का निकालना है, आप कहेंगे पहले 1 आएगा फिर 8 आ जाएगा, 8 के स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, पहले को काट देना है, लास्ट को काट देना है, 8 का डबल 16 करना है, 64 का डबल क्या होता है 128, 128 कर देंगे, 128 करेंगे, आप सबको जोड़ेंगे, आप कहेंगे 2 आएगा सर, 51 यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ेंगे आप 8 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 3 हासिल 1, 5 × 1 हासिल कर 6 × 6 = 12, 2 × 14 = 4 लिखेंगे, हासिल 1, 1 × 2 243 का आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, 24 आपके हासिल, 24 आप यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ेंगे आप तो आप कहेंगे 8 × 2 = 16 और 16 × 8 = 24, 24 × 24 = 48, 48 आएगा, 48 की आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कैरी आपके पास 4, 4 × 5 यानी कि 58, 32 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइप नंबर 1 अभी आपको बताया, टाइप नंबर 1 में मैंने बताया जब 1 से शुरुआत होती है तब मैंने बताया, अब इसका उल्टा करना है, टाइप सेकंड की बात करें, जैसे 21, 31, 51, 41 कुछ भी आ सकता है, अब हम बात करेंगे इकाई अंक पर 1 होगा, इकाई अंक पर 1 होगा जो अभी किया था उसका उल्टा कर देना है, उल्टा कहने का मतलब अभी बाएं से दाएं लिख रहे थे, अब दाएं से बाएं करेंगे, 1 पहले आ रहा था 1 से शुरुआत किया था मैंने, अब इस बार 1 बाद में आ रहा तो बाद से शुरुआत करनी है, कैसे, जैसे हमें किसी का भी निकालना है, किसका 21 का निकाल लें, 21 का आपने कहा अगर 1 पहले होता यहाँ से शुरू करते, इस बार 1 बाद में तो आप पीछे शुरू करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखा है आपने, 2 लिखा, इस 2 को स्क्वायर करना है, इसी 2 को एक बार क्यूब कर देना है, बस पहली संख्या काटो दूसरी संख्या काटो, 4 × 8 होता है, 2 × 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे 1 आएगा और 4 × 2 = 6 आ जाएगा, 8 × 4 = 12 हासिल 1, 8 × 1 = 9 आपका आंसर कितना है 92 है, आया नहीं आया। अब इसके बाद हम बात करेंगे 31 की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करें 31 की, 31 का आपने क्यूब निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 1 लिखा है आपने 1 लिखा, 3 लिखा है आपने 3 लिखा, 3 के स्क्वायर 9 करेंगे, 3 का क्यूब क्या करेंगे 27 करेंगे, पहली संख्या काटेंगे दूसरी संख्या काटेंगे, 9 का डबल क्या होता है 18 होता है, 3 का डबल क्या होता है तो आप कहेंगे 3 × 2 = 6, 1 आएगा यहाँ पर 6 × 3 = 9 आ जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे 18 × 9 = 27 के साथ लिखेंगे, कैरी आपके पास 2, 27 × 2 = 29, 29 × 7 = 91 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 61 का, 61 का क्यूब आपसे पूछा गया, 61 का क्यूब निकालने बच्चे देखिए, लास्ट में आप 61 का निकालना है 61 लिखा है, आप कहेंगे 1 लिखो लास्ट में, 6 लिखा है आपने 6 लिखा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, पहली संख्या काटो दूसरी संख्या काटो, 36 × 72 = 76, 6 × 12 = 12 जोड़िए, आप कहेंगे 1 आएगा 12 × 6 = 18 की 8 लिखेंगे, कैरी आपके पास 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे 6 × 1 = 7, 7 × 2 = 9 और 3 × 7 = 10, 109 आएगा, 109 का आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, कैरी आपके पास 10 आ जाएंगे, 216 में 10 जोड़ेंगे 226 आ जाएगा, कितना आएगा 226 आएगा, 226 यानी कि 22 × 6 = 22, 72 = 81 आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइप नंबर 1 आपको क्लियर कर दिया, मैंने टाइप नंबर 2 बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, टाइप 3 में मैंने कहा था कि जब सेम आ जाए, सेम कहने का अर्थ है 11 लिखा हो, 22 लिखा हो, 33 लिखा हो, 44 लिखा हो, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 22 का ले लेते हैं, 22 का क्यूब निकालना है आपको बच्चे, इसमें क्या करना है, जब सेम हो तो बहुत ही आसान होता है, जब सेम होना, जब सेम संख्या हो तो यहाँ पर 1 क्यूब करना है, 1 क्यूब करना है, 1 क्यूब करना है, 1 क्यूब करना है, क्योंकि 4 लाइन आपको खींचनी है, 1 क्यूब कर देना है, फिर क्या करना है इसका वही सेम तरीका, 2a³ 2a³ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले 2 लिखा है आपने, 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, फिर आपने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब 8, फिर आपने किया, कितनी बार करना है 4 बार करना है,
इसके बाद पहली संख्या काटो, दूसरी संख्या काटो, इसका डबल करो 8 दूनी 16, इसका डबल करो 8 दूनी 16, जोड़ेंगे आप 8 काट आएगा, 8 16 24 आएगा, 24 की आप लिखेंगे 4 कैरी आपके पास 2 हो जाएंगे, है ना, 8 2 10 16 26, 26 की 6 लिखेंगे कैरी आपके पास 2, 8 2 10, आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर आएगा 10 648, कितना आएगा 10 648 आएगा। और हम देख लेते हैं 55 का, 33 55 आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैंने कहा 55 का देख लेते हैं, आपने कहा 5 का क्यूब करेंगे 125 125 125 और 125 कर देंगे, पहली संख्या काटनी है, दूसरी संख्या काटनी है, 125 का डबल क्या होता है, आप कहेंगे 250 250 हो जाएगा, जोड़ेंगे आप 5 लिखेंगे कैरी आपके पास 12 12, इसमें जोड़ेंगे आप कहेंगे 250 में 100 जोड़ेंगे, 350 350 में 25 जोड़ेंगे, 375 375 270 70 77 87, यानी कि 387 आएगा कि नहीं आएगा, आप यहाँ पर 7 लिखेंगे आपके पास कैरी 38 आ जाएंगे, 38 आप यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर भी देखिए 250 और 375 375 आया, 375 में आप क्या करेंगे 38 और जोड़ देंगे, 8 5 13 करेंगे, 7 3 10 11 करेंगे, 3 1 4 करेंगे, यानी कि 413 आएगा, 413 का आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और आपके पास यहाँ से 41 आ जाएंगे, 41 आप यहाँ पर, ठीक है, जोड़िए आप कहेंगे 5 1 6 कर देंगे, 4 2 6 कर देंगे, 1 कर देंगे, यानी कि 16 63 75 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 55 के निकाल लिया, आप किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं 33 का देख लेते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर पहले 3 का क्यूब 27 करेंगे, यहाँ पर 27 करेंगे, यहाँ पर 27 करेंगे और यहाँ पर 27 करेंगे, पहली संख्या काटो, लास्ट की संख्या काटो, 27 का डबल 54 होता है, 27 का डबल 54 होता है, जोड़ दीजिए 7 लिखेंगे 2 बचेगा, आप 2 यहाँ पर लिख देंगे, जोड़िए तो 7 2 9 4 13 की 3 हासिल 1, 3 5 8 83 आएगा, 83 का आप यहाँ पर 3 लिखेंगे कैरी आपके पास 8, यहाँ पर आप लिख देंगे 8 7 15 15 4 19 की 9 कैरी आपके पास 1 2 1 कैरी का 3 3 5 8, 8 का 8 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 8 का आप क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, देखिए क्या 8 7 15 4 19 हासिल आपके पास 1 और 5 3 8 89 हो जाएगा, 89 का आप यहाँ पर 9 लिखेंगे कैरी आपके पास 8 आ जाएंगे, 8 इसमें जोड़ेंगे तो आप देंगे 27 और 8 35 होता है, 35 आप कर देंगे तो 35 937 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मैंने टाइप नंबर 1 आपको बताया, टाइप नंबर 2 बताया, टाइप नंबर 3 बताया, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 4 जो कि रामबाण है, टाइप नंबर 4, ठीक है, टाइप नंबर 4 ये क्या है रामबाण है, आप किसी में भी लगा सकते हैं, अभी तक मैंने जितने भी टाइप बताए उनमें आप किसी में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे एक संख्या ले लेते हैं कोई भी 24 मैंने लिया, मैंने कहा 24 का क्यूब क्या होगा, तो देखिए अभी तक मैंने जो टाइप किए तो वो तो अलग थे, अब हम बात करेंगे रामबाण तरीके आप किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है पहले वाले का क्यूब करना है, पहले वाले का क्यूब करना है, लास्ट वाले का क्यूब करना है, पहले वाले का क्यूब करना है, इसे ए भी मान लेते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे पहले का क्यूब करना है, लास्ट का क्यूब करना है, फिर क्या करना है पहले का स्क्वायर दूसरे का मल्टीप्लाई, पहले का स्क्वायर दूसरे का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे के स्क्वायर पहले का मल्टीप्लाई, ये आपको करना है, ठीक है, चलिए कैसे, मैंने कहा पहले का क्यूब करो तो आपने कहा 2 का क्यूब 8 होता है, मैंने कहा लास्ट का क्यूब करो, लास्ट का क्यूब कितना आएगा 64 आ जाएगा, पहले का स्क्वायर दूसरे में मल्टीप्लाई, पहले का स्क्वायर दूसरे मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 चौक 16 करेंगे, दूसरे के स्क्वायर पहले के साथ मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 16 दूनी 32 कर देंगे, तरीका वही, पहला काटो आखिरी काटो, इसका डबल करो, इसका भी डबल कर दो, सबको जोड़ोगे आपका आंसर आएगा, 4 का 4 लिखेंगे आप, 6 यहाँ पर लिख देंगे, देखिए आप कहेंगे 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 6 9 1 हासिल का 10, 102 आएगा, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे कैरी आपके पास 10, यहाँ पर लिख देंगे आप 16 16 48 48 10 58 की 8 लिखेंगे कैरी आपके पास 5 8 5 13, आपका आंसर क्या आएगा 13 824 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और भी देख लेते हैं कोई भी संख्या 24 की बाद, जैसे मैंने कहा 45 देख लीजिए, 45 का देखना है, 45 का आप निकाल सकते हैं, पहले का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, दूसरे का क्यूब करेंगे 5 25 25 125 करेंगे, पहले के स्क्वायर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 16 50 80, दूसरे के स्क्वायर पहले के साथ मल्टीप्लाई, 5 25 चौक 100, ठीक है, पहला काटो लास्ट वाला काटो, 80 का डबल 160 होता है, 100 का डबल 200 होता है, जोड़ दीजिए
पांच लिखेंगे, 12 बचेगा 12, यहाँ पे लिखेंगे 200, 300, 312, 312 का 2 लिखेंगे और हासिल कितनी 31 आ जाएंगे, 31 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 3 एक आएगा, 8 3 11, 11 6 कितने 17, हासिल एक आपके पास, एक एक 271 आएगा, एक लिखेंगे 27 हासिल आ जाएगा, 27 आप यहाँ पर जोड़ेंगे, 7 4 11 करेंगे, 6 2 8 1 9 करेंगे, 91 12 5 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 91 12 5 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको चार तरीके बताए, उम्मीद है आपको चारों तरीके समझ आ गए होंगे। और पहला जो लास्ट में तरीका बताइए, तो रामबाण आप किसी में भी लगा सकते हैं। अब आपका एक एस डब्ल्यू रहने वाला है, एस डब्ल्यू क्या रहने वाला है, आप बताएंगे 27 का क्यों बताएंगे, ठीक है, रामबाण तरीके से बताएंगे क्योंकि अलग अलग टाइप है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा किसी भी संख्या का आप क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट में क्या करेंगे, आपको क्यूब रूट सिखाएंगे। अभी मैंने आपको क्यूब निकालना बताया, अब हम अगले पार्ट में बताएंगे क्यूब रूट, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।